5 में से 5 पब्लिक अगर पसंद करती है पिक्चर देखना उनकी टिकट के पैसे मैं दूंगा। इतनी जबरदस्त मूवी है पिक्चर तो देखो, और रोमांटिक मूवी है, अच्छी मूवी है। नहीं ढंग की पिक्चर ना ऐसा है। कितने स्टार्स होंगे? सो 11th मार्च को फाइनली आज प्रभास स्टार मूवी राधे श्याम रिलीज हो चुकी है। तो सुबह जो है 7 AM का शो शुरू है और आइए देखते दर्शकों को कैसे लगी ये मूवी। अच्छा लगा मूवी, अच्छा लगा। काम सबसे ज्यादा अच्छा लगा प्रभास का। कितने रेटिंग देना चाहोगे? रेटिंग 5 में से 3। ओ सर अच्छी। किसका काम सबसे ज्यादा अच्छा लगा? दोनों का अच्छा है, हीरो हीरोइन का। अच्छा प्रभास के रोल के बारे में क्या बोलो? ठीक है भाई जी, पिक्चर तो देखो, और रोमांटिक मूवी है, अच्छी मूवी है। अच्छा और प्रभास के रोल के बारे में कुछ बताइए। अच्छा ठीक ठाक है, रोमांटिक रोल है, अच्छा है। ओके सर कैसे लगा मूवी? अच्छी है। आईना है ढंग की पिक्चर ना ऐसा है। कितने स्टार्स होंगे? कितने स्टार्स? कैसे लगा मूवी? मूवी खास नहीं लगी होती, क्योंकि प्रभास को हमने एक्टिंग के हिसाब से देखा, मतलब फाइटिंग के हिसाब से देखा हमेशा प्रभास को। आज बहुत थोड़ा अलग ही लगा प्रभास के। ना रेटिंग्स देना चाहोगे? आई थिंक 3। बहुत घटिया मूवी है। मतलब एक अच्छे एक्टर एक्ट्रेस को लेकर सबसे घटिया पिक्चर बनाया गया है। डायरेक्टर को बहुत टाइम पास करना था तो एक इस प्रभास को ले लिया और हीरोइन को ले लिया और पिक्चर बना दिया टाइम पास में। कोई नहीं, ना गाने अच्छे हैं, ना कुछ, ना लव स्टोरी है। एक साइंस फिक्शन मूवी बनाना था उसको, तो वो साइंस फिक्शन भी नहीं बना पाया, ना एक्शन है उसमें पिक्चर में, ना कुछ भी नहीं। सर कैसे लगा मूवी? 2 स्टार बस। ढाई स्टार है, एवरेज पिक्चर है। ओके कैसे लगा प्रभास का काम के बारे में? प्रभास ठीक है और अपने हीरोइन भी ठीक है, पर स्टोरी में दम नहीं है। स्टोरी में दम नहीं है। फर्स्ट हाफ भी स्लो है और सेकंड भी स्लो है। ओके सर कैसे लगा मूवी? अच्छी थी, लव स्टोरी थी। अच्छा कितने स्टार्स देना चाहोगे? 5 में से 5 में से 5 देना चाहूँगा। इसका काम सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? हीरो का, प्रभास हीरो। दोस्त कैसे लगा मूवी? बहुत गजब मूवी थी। अच्छा कितने स्टार्स देना चाहोगे? 5 में से 5 स्टार देना चाहूँगा। किसका काम सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? हीरो का लगा। बहुत ही प्यारी लगी सर मूवी और बहुत ही सॉन्ग तो बहुत ही मस्त। 4 मूवी एवरेज है, जो स्टोरी है वो मोटा मोटी ट्रेलर में उन्होंने पूरी ही दिखा दिया, और जो पाम हिस्ट्री है वो हाथों की लकड़ियों पे भरोसा करते हैं, और जो डॉक्टर है वो दवाई पे भरोसा करते हैं, तो किस्मत या भगवान क्या फैसला करता, ये मोटा मोटी मूवी में दिखाया गया। कितने स्टार्स देना चाहोगे आप? मूवी में काफ़ी ऐसा ग्रिपिंग नहीं है, फर्स्ट हाफ काफ़ी लंबा है और स्टोरी प्रॉपरली डेवलप नहीं होती, और इंटर तक ही आपको समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या बताना चाहते हैं। ना लव स्टोरी भी है बस। पूजा हेगड़े के बारे में क्या करना? पूजा हेगड़े बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, पर सच में बहुत गलत स्टोरी में बहुत गलत कास्टिंग की गई है। ओके टोटल कितना स्टार्स देना चाहोगे? सिर्फ स्टार कास्ट के लिए 1 स्टार है, बाकी पिक्चर के लिए बिल्कुल नहीं। 5 में से कितने रेटिंग? 5 में से 1। एक रेट? हाँ वो भी स्टार कास्ट के लिए, और किसी के लिए नहीं। पिक्चर में तो कुछ भी दम नहीं है। मैं तो लोगों को बोलता हूँ कि बिल्कुल मत अपना टाइम वेस्ट ना करें आप पिक्चर के। हाँ कितना स्टार्स देना चाहोगे? 1। सर कैसे लगा मूवी? बहुत प्यारा लगा। अच्छा और किसका काम सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? प्रभास सर का जो है अच्छा लगा काम। कुछ बोलना चाहोगे मूवी के बारे में? मूवी तो बहुत अच्छी लगी, पर इमोशनल थी। अच्छी लगी। अच्छा आप जाना। ओके कितने स्टार्स देना चाहोगे 5 में से? 4 स्टार। उसकी प्रभास की जो एक टॉकिंग क्या बोल सकते हैं, एक्सपेंशन जो है ना, बात करने की जो स्टाइल है इसमें बहुत ज़बरदस्त दी गई है। ओके ओके और पूजा हेगड़े जो है प्रभास के साथ आई है एज ए हीरोइन, जी जी लोगे उनके पेयर एक नंबर, स्टोरी बहुत ज़बरदस्त थी सर। ओके ओके और मैं तो चाहता हूँ कि नागपुर की पब्लिक में एक बार जरूर देखना चाहिए। बढ़िया। मैं यहाँ बैठ जाता हूँ टिकट के पैसे बांटने के लिए, अपील कीजिए कि पब्लिक आए।